कि देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए महात्मा गांधी जी को, कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। छोड़नी पड़ी क्या? कस्तूरबा गांधी को साथ लेकर चलते थे ना। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद हैं यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। जो महिलाएं ये कह रही थी कि ब्रिजभूषण जी ने कुछ नहीं किया, रह पाएंगी ब्रिजभूषण के साथ? जीवन बिता पाएंगी उसके साथ? अमेरिका कहता है ना कि हम दुनिया का सबसे मॉडर्न देश हैं, मॉडर्निटी का ठेकेदार हैं। अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है, और हमारे यहां महिला राष्ट्रपति बनी, और उसी आधार पे भाजपा को कहने का यह हक मिला कि हम एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। कि एक आदिवासी को अगर इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है, तो मणिपुर में जब अत्याचार हो रहा था तो माननीय राष्ट्रपति ने अपने मुंह पे क्यों चुप्पी साध रखी है? कि नेताजी आने वाले हैं तो चार महिला को बुला करके वंदे मातरम गवा देते हैं। हम गुलदस्ता नहीं हैं कि भीड़ में जो है आप आगे में चार लोगों को बिठा करके हमको सजा दीजिएगा। हम तेज पत्ता हैं कि बिरयानी में ऊपर से डाल दीजिएगा और जब खाने लगेगा तो निकाल दीजिएगा। सारी जो एंकर हैं वो टीवी पे क्या कर रही हैं? वो कह रही है कि मणिपुर पे आप बोल रहे हैं, राजस्थान पे नहीं बोल रहे हैं। अरे राजस्थान क्या, दुनिया के किसी कोने में अगर महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट के उसके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, यह हमारा हक है। धन की देवी लक्ष्मी है, विद्या की देवी सरस्वती है। तो धन की देवी जब लक्ष्मी थी तो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? यह प्रश्न पूछना चाहिए ना। जब विद्या की देवी सरस्वती हैं तो महिला और पुरुष को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? जो यह कहता है निर्भया कांड के दौरान कि अगर वो उस बलात्कारी को भैया भैया कह करके माफी मांगती तो उसकी जान बच जाती, उसी मानसिकता के लोग जब आज सत्ता में बैठे हुए हैं तो आपको लगता है कि निर्भया के न्याय के लिए जो कानून आया वो कानून बन पाता? वो कानून इसलिए बन पाया क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथ में था। इस बात को याद रखिएगा। हमारा मानना है कि मौजूदा वक्त में समाज का कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको अपनी लड़ाई सिर्फ अपने लिए और सिर्फ अपने दम पर लड़ने की जरूरत है। हम जिस दौर में हैं, जिस वक्त में हैं, उसमें हर डिस्कोर्स में एक इंटरसेक्शनैलिटी है। इंटरसेक्शनैलिटी कहने का मतलब यह है कि अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा किसी एक तबके की नहीं, पूरे समाज की जरूरत है। अगर हम गरीबी उन्मूलन की बात करें तो यह किसी एक जेंडर के लिए नहीं, बल्कि यह सभी जेंडर पर लागू होता है। और अगर हम किसी भी तरह का समूह उसको ट्रेस करने की कोशिश करें सोसाइटी में, तो हम उसमें एक इंटरसेक्शनैलिटी को देखते हैं। इसीलिए हमारा मानना है कि आज के वक्त में जो आंदोलन अलग अलग हो रहे हैं, उन आंदोलनों को मिलाने की जरूरत है, उनको इकट्ठा करने की जरूरत है। मतलब विद्यार्थियों का आंदोलन है, लेकिन वो महिला अधिकारों का भी आंदोलन होना चाहिए। किसानों का आंदोलन है, लेकिन वो महिला सम्मान की का भी आंदोलन होना चाहिए। इस देश में चाहे आदिवासी आंदोलन हो, दलित आंदोलन हो, विद्यार्थी आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, मजदूर आंदोलन हो, किसी भी राजनीतिक दल के जितने भी फ्रंट हैं, जैसे अगर हम अपनी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो हमारा विद्यार्थियों का फ्रंट है NSY, नौजवानों का फ्रंट है यूथ कांग्रेस, महिलाओं का फ्रंट है महिला कांग्रेस, किसानों का फ्रंट है किसान कांग्रेस। हमारा मानना है कि इन सारे फ्रंट को एक साथ मिल करके, एकजुट होकर के
ऐसे काम करना चाहिए जैसे लोकतंत्र के चार स्तंभ होते हैं, हम सबको एक एक स्तंभ के रूप में काम करना चाहिए, मिलकर के काम करना चाहिए। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच यहाँ मौजूद हूँ तो भाषण देने के लिए नहीं आया हूँ, हम आपकी हर कार्रवाई में कंधे से कंधे मिला करके दोनों फ्रंटल जो है मिल करके काम करें, और जो देश के सामने चुनौतियां हैं जिसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बताया, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेताजी ने भी बताया, हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम के सचिन जी ने भी बताया, जो भी स्पीकर आ रहे हैं जो हमको मौजूदा समय में चुनौतियों के बारे में बता रहे हैं, इन चुनौतियों में हमको मिलकर के काम करने की जरूरत है। और हम अपनी पार्टी के भीतर, संगठन के भीतर एक ऐसा माहौल पैदा करें कि समाज के हर तबके के लोग बड़ी सहजता से हमसे जुड़ सकें, हमारे बीच आ सकें। क्योंकि अगर हम विद्यार्थी आंदोलन की बात करें तो जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, वो आधी आबादी है। और अगर हम अपनी मीटिंगों में, अपने संगठन की संरचना में, अपने प्रोग्रामों में अगर उनको प्रॉपर जगह नहीं देंगे, उनके लिए एक कंफर्टेबल माहौल नहीं पैदा करेंगे, ऐसा पॉलिटिकल कल्चर नहीं बनाएंगे कि वो सहम जाएं, वो आगे ना आएं, इसका मतलब विद्यार्थी होने के नाते, विद्यार्थियों का संगठन चलाने के नाते हम समाज की जो आधी आबादी है उसको इग्नोर कर रहे हैं। इसीलिए मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो आपसे ये आग्रह कर रहा हूँ कि आपके यहाँ जो विद्यार्थी हैं, जो आपके संगठन से जुड़े हुए हैं, आप उनको हमसे जोड़िए और हम उनके साथ काम करके इस देश में नए तरीके का स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा करने का काम करेंगे, विद्यार्थियों के एक तबके को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अभी हमारी पार्टी का एक कार्यक्रम आया है कि कैसे नौजवान यूथ जो विमेन लीडर है उसको नर्चर किया जाए, उसके लिए इंदिरा फेलोशिप की शुरुआत की गई है। हमको लगता है कि अलग अलग तरह का जो हमारा फ्रंट है उस फ्रंट को आपस में मिल करके एकजुट होकर के काम करना चाहिए, और इस एकता को हम आगे बढ़ा सकें, उस कंफर्टेबल माहौल को हम लोग तैयार कर सकें जहां महिलाएं राजनीतिक कार्यक्रमों में आने से घबराएं नहीं, उनको डर ना लगे, ऐसा पॉलिटिकल कल्चर हमको एस्टेब्लिश करना चाहिए। क्योंकि सवाल आज हमारे सामने एक बहुत ही गंभीर है। गंभीर सवाल यह है कि आपको कुछ चीजों को बड़ी बारीकी से देखने और समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में महिला प्रधानमंत्री नहीं हुई, हमारे देश में महिला राष्ट्रपति नहीं हुई, हमारे देश में लोकसभा की स्पीकर नहीं हुई, गवर्नर नहीं हुई, मेयर नहीं हुई, चीफ मिनिस्टर नहीं हुई, ऐसा नहीं है। तो एक तरफ महिलाओं को प्रतिनिधित्व भी मिला, लेकिन दूसरी तरफ आज की अगर हम बात करें तो महिला अपराधों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। इस अंतर विरोध को हमको समझना पड़ेगा, ऐसा कैसे हो रहा है। ऐसा अगर इस देश के इतिहास को हम बारीकी से देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जो अपने आप को विकसित देश कहते हैं, उन विकसित देशों में भी महिलाओं और पुरुषों को बराबरी के वोट के अधिकार नहीं मिले थे। अमेरिका में 1 person 1 vote के लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, लेकिन ये हमारे पुरखों की देन है, जो हमारे फाउंडिंग मदर्स एंड फादर्स हैं, उन्होंने इस तरीके का संविधान बनाया कि आजादी के साथ ही हमको वोट का अधिकार मिल गया। आप लोगों को यह बात जाननी चाहिए कि हम नाम तो लेते हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, उनका योगदान है इस देश के संविधान को बनाने में, लेकिन अगर आप संविधान सभा को देखेंगे तो 15 महिलाएं भी उस संविधान सभा की सदस्य थी जिन्होंने अपने विचार रखने, अपने सलाह दिए जिससे यह संविधान बनकर के तैयार हुआ। वो 15 महिलाएं थी और वो अलग अलग समुदाय से थी, अलग अलग जो है क्षेत्र से थी, अलग अलग पृष्ठभूमि से थी, उन्होंने अपना योगदान दिया है। इस देश के इतिहास को अगर हम देखें तो आप महात्मा गांधी के योगदान को भुला नहीं सकते हैं। सबसे ज्यादा जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट पूरी दुनिया में हुआ, महिलाओं को आंदोलन से जोड़ने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया तो उस व्यक्ति का नाम महात्मा गांधी है। और आप देखिए कि देश को आजाद कराने के लिए, अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए
महात्मा गांधी जी को कस्तूरबा गांधी को छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। छोड़नी पड़ी क्या? कस्तूरबा गांधी को साथ लेकर चलते थे ना। और एक आज के प्रधानमंत्री हैं, कहते हैं कि हमको देश की सेवा करने के लिए पत्नी छोड़ना पड़ा। हाय रे बेईमानी। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद हैं यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। दूर से बात बहुत अच्छा लगता है, अपने पे जब अगर बात आ जाए तो उसका असर समझ में आने लगता है। आप मुझे बताइए, जो महिलाएं ये कह रही थी कि ब्रिजभूषण जी ने कुछ नहीं किया, रह पाएंगी ब्रिजभूषण के साथ? जीवन बिता पाएंगी उसके साथ? हमारे समाज में जो आज हो रहा है उसको हमको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। जो अधिकार हमको एक एक करके बिना लड़े मिल गए, इस देश में समान वोट के अधिकार के लिए कोई महिला आंदोलन नहीं हुआ। जब संविधान लिखा जा रहा था तो वोट का अधिकार दे दिया गया। इस देश में संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल होंगी, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने इनिशिएटिव से, उस वक्त जो है हमारा अखिल भारतीय महिला संघ नहीं था, महिला कांग्रेस नहीं था उस वक्त, लेकिन गांधी जी ने महिलाओं को घर से निकाल करके अपने आंदोलन में शामिल कराया। और आप जानते हैं, शराब बंदी के खिलाफ जो पिकेटिंग का आंदोलन होता था वो पूर्ण रूप से महिलाओं का आंदोलन था। महिलाएं जाती थीं और शराब के दुकानों को बंद कराती थीं। महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लेकर के आए, ये एक प्रोग्रेसिव सोच थी। प्रोग्रेसिव सोच के चलते संविधान सभा का ऐसे निर्माण हुआ जिसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया। और यह प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी थी कि अमरीका में आज तक, अमरीका कहता है ना कि हम दुनिया का सबसे मॉडर्न देश हैं, मॉडर्निटी का ठेकेदार हैं, अमरीका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है। और हमारे यहां महिला राष्ट्रपति बनी, और उसी आधार पे भाजपा को कहने का यह हक मिला कि हम एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। बोलिए, लेकिन प्रश्न यह है आज हमारे सामने कि एक आदिवासी को अगर इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है तो मणिपुर में जब अत्याचार हो रहा था तो माननीय राष्ट्रपति ने अपने मुंह पे क्यों चुप्पी साध रखी है? यह राजनीतिक चुनौती है। इस राजनीतिक चुनौती को हमको समझना पड़ेगा। और हम यह बात समझें कि विंग बनाने का यह मतलब नहीं होता है कि हम गुलदस्ता हैं, कि नेताजी आने वाले हैं तो चार महिला को बुला करके वंदे मातरम गवा देते हैं। हम गुलदस्ता नहीं हैं कि भीड़ में जो है आप आगे में चार लोगों को बिठा करके हमको सजा दीजिएगा। हम तेज पत्ता हैं कि बिरयानी में ऊपर से डाल दीजिएगा और जब खाने लगेगा तो निकाल दीजिएगा। यह प्रतिनिधित्व का सवाल है। प्रतिनिधित्व के सवाल को हमको सीरियसली लेना पड़ेगा। और अगर हम सीरियसली लेते हैं तो प्रश्न आता है पॉलिटिकल कल्चर का। आपने देखा, सारी जो एंकर हैं वो टीवी पे क्या कर रही हैं? वो कह रही हैं कि मणिपुर पे आप बोल रहे हैं, राजस्थान पे नहीं बोल रहे हैं। अरे राजस्थान क्या, दुनिया के किसी कोने में अगर महिलाओं के ऊपर कोई अत्याचार होगा तो बिना किसी राजनीतिक लाग लपेट के उसके ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, उसके खिलाफ बोलेंगे, ये हमारा हक है। आप ये व्हाट अबाउट रीच कर रहे हैं? आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चोरी हो जाना, डकैती हो जाना और बलात्कार हो जाना एक है? नहीं है एक। किसी का पर्स मारा गया और किसी के साथ बलात्कार हुआ, ये दोनों अपराध एक है क्या? जो सर्वाइवर होते हैं उनकी पूरी जिंदगी जो खराब हो जाती है। सवाल सिर्फ शरीर का नहीं है, सवाल उनकी मानसिकता का है, सवाल साइकोलॉजी का है। इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और ये दोनों अपराध को मिलाने को, दोनों अपराध को एक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमको इसकी गंभीरता को समझना पड़ेगा। हमको इस गंभीरता को समझना पड़ेगा कि यह सब कुछ आ कहां से रहा है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी यह बात कही और सचिन जी भी ने अपनी बात में इस बात को कहा कि हम मानते क्या हैं, हम सोचते क्या हैं।
अगर हम ये सोचते हैं, हमारे सोच में है कि धन की देवी लक्ष्मी है, विद्या की देवी सरस्वती है, तो धन की देवी जब लक्ष्मी थी तो राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? यह प्रश्न पूछना चाहिए ना। जब विद्या की देवी सरस्वती हैं, तो महिला और पुरुष को पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं दिया गया? यह जब हम सोचेंगे तब हमको समझ में आएगा कि आजादी गिफ्ट में नहीं मिला है, नागरिकता का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है, राजनीति में शामिल होने का अधिकार गिफ्ट में नहीं मिला है। जो लोग उस वक्त आंदोलन को चला रहे थे, ये उनकी सोच थी कि अगर हमारी महिलाओं के पास पहनने के लिए साड़ी नहीं है, जब कस्तूरबा के साथ गांधी गए चंपारण, तो कस्तूरबा से गांधी ने पूछा कि ये बताओ कि हमारे प्रोग्राम में महिलाएं क्यों नहीं आती हैं, तो कस्तूरबा ने बताया कि इतनी ज्यादा गरीबी है कि बाहर जाने के लिए एक ही साड़ी है, सारी महिलाएं एक बार बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो सारी महिलाओं को छोड़ करके कोई एक बाहर नहीं आना चाहता है। और एक कहानी बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा, उससे आप वस्तु स्थिति को अपने आप समझ जाएंगे। एक बार मेरे घर में शादी थी, सारे मर्द को बारात जाना था। ये आज शुरू हुआ है कि अब जो है बेटे की शादी में माँ भी बाराती बनती है और बहन भी बाराती बनती है, पहले यह नहीं होता था। मेरे बचपन में जो मुझे याद है कि जब शादियां होती थी घरों में तो सारे मर्द चले जाते थे और सारी औरतें रुक जाती थी। मेरी तबीयत खराब थी और मैं उस दिन जो है बारात में नहीं जा पाया, बुखार था बहुत तेज और घर में मैं सो रहा था। कुछ देर के बाद मैंने ये देखा जब बारात चली गई है तो हमारे घर में गाने की आवाज आ रही है, थालियां बज रही हैं, ढोलक बज रहा है और लोग गा रहे हैं, नाच रहे हैं। कौतूहलता बस, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, मैं जाकर के चुपचाप दरवाजे के पास जाकर के देखने लगा और मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, अपनी एक एक सांस दी, खून दिया, पसीना दिया, 9 महीने पेट में रख करके पैदा किया, रोज खाना खिलाया, पखाना साफ किया, पढ़ाया लिखाया, वो मेरी माँ गाती है ये मुझे मालूम ही नहीं था। वो मेरी बुआ जिसकी गोद में मैं पला, वो बुआ जो है डांस करती है मुझे पता ही नहीं था। और वो जो एक फोक कल्चर है, वो फोक कल्चर इतना मजबूत है कि वो वक्त मिलता था महिलाओं को अपने भीतर के श्रृंगार को प्रकट करने का, अपने भीतर के प्रेम को प्रकट करने का। जिस समाज में आपको आपकी भावना प्रकट करने का अधिकार नहीं हो, उस समाज में महिलाओं को राजनीति में लेकर के आना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और हम जितना आगे बढ़ रहे हैं, यह जो विचार वाली बात है जो ये कहता है निर्भया कांड के दौरान कि अगर वो उस बलात्कारी को भैया भैया कह करके माफी मांगती तो उसकी जान बच जाती, उसी मानसिकता के लोग जब आज सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आपको लगता है कि निर्भया के न्याय के लिए जो कानून आया वो कानून बन पाता? वो कानून इसलिए बन पाया क्योंकि कांग्रेस का नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथ में था, इस बात को याद रखिएगा। यह प्रतिनिधित्व का सवाल है, यह नेतृत्व का सवाल है कि अगर नेतृत्व इस देश में इंदिरा गांधी के हाथ में रहा, नेतृत्व सोनिया गांधी के हाथ में रहा, तो महिलाओं को आगे बढ़ने का हक मिला। और नेतृत्व आज एक ऐसे आदमी के हाथ में है जो पत्नी छोड़ करके भाग गया, तो महिला अधिकार का क्या होगा, इसको आप बखूबी समझ सकते हैं। इसीलिए मैं पॉलिटिकल कल्चर की बात कर रहा हूं। अपराध कहीं भी हो सकते हैं, अपराध छत्तीसगढ़ में भी हो सकता है, राजस्थान में भी हो सकता है, मणिपुर में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, लेकिन अपराध के बाद पुलिस की कार्रवाई कैसे हो रही है, सरकार उस पर क्या बोल रही है, जिस पार्टी की सरकार है उसके स्पोक्स पर्सन क्या बोल रहे हैं, इस बात पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। और कांग्रेस और बीजेपी के बीच में दल का फर्क नहीं है, विचार का फर्क है, इस बात को हमको समझना पड़ेगा। और अगर हम समानता में भरोसा रखते हैं, अगर हमको लगता है कि बलात्कारियों को मंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक और एमपी नहीं बनाना चाहिए, तो 2024 का चुनाव
कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व का चुनाव नहीं है, 2024 का चुनाव हम महिलाओं के लिए, हम तमाम नागरिकों के लिए, इस देश के अस्तित्व का सवाल है, संविधान के अस्तित्व के सवाल है, इसको हमको समझना पड़ेगा। और जिन चीजों से हम जूझ रहे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेकारी हो, उन तमाम सवालों को लेकर के हमको घर घर जाना है। और जो संविधान ने जो हमको अधिकार दिया है, समान अवसर का, सम्मान का, एकता का, भागीदारी का, उसको हमको आगे लेकर के जाना होगा। और जो नारा आपने लगाया है, आधी आबादी पूरा हक, अपनी पार्टी और NSY के तरफ से इस मांग के साथ हम पूर्ण समर्थन में खड़े हैं, और आप किसी लड़ाई में कंधे से कंधे मिलाकर के आपके साथ चलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय महिला शक्ति।